इसके बाद यहाँ जो रात के 1:32 हुए हैं, अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के लोग यहाँ से सैंपल जो है उन सैंपल ले जा रहे हैं। 1:25 का वक्त हो रहा है रात का। ये इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज स्थित आवास पर चली आयकर विभाग और डीजीजीआई की कार्रवाई पांचवें दिन खत्म हो गई है। बताया जा रहा है कि डीजीजीआई की पूरी टीम देर रात 3 बजे तक अपनी कार्रवाई को समाप्त कर वापस लौट गई है। साथ ही डीजीजीआई की टीम पीयूष जैन के घर से मिले अहम दस्तावेज को भी अपने साथ ले गई है। इस दौरान उनके हाथ में 8 गत्ते और झोलों में इकट्ठा किए गए कंपाउंड के सैंपल थे। सूत्रों ने बताया कि ये सैंपल जाँच के लिए लैब भेजे जाएंगे। डीजीजीआई के एडिशनल डायरेक्टर जाकिर हुसैन मीडिया से बातचीत में बताया कि हमने अपना पंचनामा पूरा कर लिया है, यहां मिला सोना हमने डीआरआई को सौंप दिया है। इसके अलावा 19 करोड़ रुपए की नकदी मिली है जिसे एसबीआई में डिपॉजिट कराया गया है। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों के मुताबिक ये अब तक की सबसे बड़ी कैश बरामदगी है। जो भी रिकवरी थी वो हमने कर ली है और गोल्ड हमने डीआरआई को दे दिया है। बाकी की जो भी रिकवरी है उसको हमने हैंडओवर कर दिया। आगे का प्रोसीजर क्या होगा? आगे का प्रोसीजर अब इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है। कितने जो गोल्ड कानपुर में मिला था वो कानपुर का अलग से है, यहाँ को हमको 19 करोड़ गोल्ड मिला, 19 करोड़ कैश मिला है जो हमने एसबीआई में डिपॉजिट किया। आपके हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है? हाँ, एज पर जैसे भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है कि बिगेस्ट कैश रिकवरी है। इस पूरे मामले पर जब पीयूष जैन के बेटे से मीडिया ने सवाल किए तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि उसे कानून पर विश्वास है। आई बिलीव इन इंडियन जस्टिस एंड लॉ। अगर हम इनोसेंट हैं या जो भी हैं तो फिर लेट्स से दैट आप ये नहीं, आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग ऑन कैमरा। ओके, दैट्स इट। अंदर हम 2 मिनट भी नहीं आ सकते? नहीं सर, नो सर, सॉरी, आई कैन नॉट। सॉरी सर, 2 मिनट भी अगर हम 3 बजे बज गया तो बहुत सॉरी सर। हालांकि जब पीयूष जैन के घर से निकले गवाह अमित दुबे से कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उसने कार्रवाई की पूरी घटना को विस्तार से बताया, लेकिन व्यापारी के सपा भाजपा से संबंध के सवाल पूछे जाने पर गवाह अमित दुबे भड़क गया। हमने देखा कि इनके यहाँ रेट पड़ी, कई जगह कैश निकला, कई जगह मतलब कहाँ का तोड़फोड़ की गई थी? दो जगह अंडरग्राउंड और एक और अंडरग्राउंड, दो जगह रेडी। वो कितना केस निकला क्या? अच्छा, कुछ चांदी वादी सिल्वर ही बरामद? नहीं, सिल्वर गोल्ड 23 किलो था वो तो दिखाई रहे। और बाकी जो है जो भी है कुछ आप लोगों से साइन मुश्किल था? साइन तो विटनेस के तौर पे भराए हम लोगों से। सर, कैश ढूंढना कितना मुश्किल था? आसानी से मिल रहा था कि बड़ी कोशिश करनी पड़ी? बहुत कोशिश से उन लोगों ने ढूंढा। मदद की उन लोगों ने कि जो अंदर परिवार के लोग थे? कुछ बताया कहाँ पर क्या है? नहीं, वो तो परिवार के लोगों को पता ही नहीं, उसके लड़के को तो बच्चों को कुछ नहीं पता था। वो तो लोग यहाँ रहते ही नहीं, बच्चे परेशान थे। फिर आपने देखा होगा कैसे उन्होंने पता लगाया है? तो वो अपना छानबीन कर रहे थे, हम लोग उसके लिए तोड़ेंगे, परमिशन ली उसे तोड़ा। सबसे ज्यादा कोई दिक्कत कहाँ पे आई थी? क्या सबसे ज्यादा कठिन? तो सबसे मुश्किल कौन सी समय? सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड में। कौन सी जगह तोड़ी? इतना समय कैसे लग गया, इतना 5 दिन का समय? ये लोग अपना इन्विटेशन करते रहे, तमाम अतर का लेके इनका जितना भी कंपाउंड का सैंपल भरते रहे, वही उसी से। तो सपने नहीं, बीजेपी किसी बात तुम लोग। आपको बता दें कि कन्नौज में सदर कोतवाली क्षेत्र के छिपटी मोहल्ला में ही पीयूष जैन का घर है, जहां पिछले 5 दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। पीयूष जैन के कन्नौज वाले आवास से करीब 19 करोड़ रुपए बरामद किए गए। इसके साथ ही घर के अंदर बने तहखाने से 23 किलोग्राम सोने की ईंटें और 6 करोड़ की कीमत का 600 किलोग्राम चंदन के तेल को बरामद किया गया था। गौरतलब है कि डीजीजीआई ने पीयूष जैन को रविवार रात को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।